हेलो भाई लोग, आपका बहुत बहुत स्वागत है कमाल के एक न्यू प्रिडिक्शन वीडियो में। सो भाई इस वीडियो के अंदर आज हम लोग कवर करने वाले हैं, आप लोग देख सकते हो, बिग बैश लीग का 10वां मुकाबला जो कि दोस्तों होने वाले हैं मेलबोर्न रिनेगेट्स और दोस्तों ब्रिस्बेन हीट्स के बीच में मैच होने वाला है। जो कि दोस्तों सारा कुछ प्रिडिक्शन इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी प्रिडिक्शन बतलाऊंगा, किस प्लेयर का कैसा स्टेटस रहने वाला है और पिच रिपोर्ट क्या है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रिडिक्शन दूंगा। उसे देखकर आप लोग इजी तरीके से अपना टीम क्रिएट कर सकते हो और दोस्तों स्मॉल या ग्रैंड लीग अच्छी तरीके से विन कर सकते हो। दोस्तों सही से आप लोग वीडियो देखोगे तो आप लोग अच्छी तरीके से अपना टीम को क्रिएट कर सकते हो। सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों आप लोग फिर से सुन लीजिए, ये मैच होने वाला है ब्रिस्बेन हीट्स और मेलबोर्न रिनेगेट्स के बीच में। सबसे पहले भाई लोग आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, और दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो नीचे की तरफ बढ़ने के बाद एक हमारा छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। सबसे पहले दोस्तों मैच इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हो दोस्तों 10वां मुकाबला बिग बैश लीग का 10वां मुकाबला जो कि दोस्तों 21 तारीख को दोस्तों 1:45 से स्टार्ट होने जा रहा है। सारा कुछ आप लोग मैच इन्फॉर्मेशन में देख रहे हो, 1:45 ये मैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका दोस्तों स्टेडियम है सिगमोंड स्टेडियम, जो कि आप लोग देख सकते हो ये दोस्तों सिगमोंड स्टेडियम विक्टोरिया में पड़ता है। दोस्तों आपका समय अनुसार 1:45 में मैच स्टार्ट होगा, जो कि दोस्तों सिगमोंड स्टेडियम में स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि विक्टोरिया में है। बिग बैश लीग का 10वां मुकाबला है दोस्तों। ये था मैच इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हम लोग पिच रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले लोग आप लोग पिच रिपोर्ट देख सकते हो। सो भाई लोग आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह के पिच रिपोर्ट यहाँ के रहने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा पिच है, आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो पिच रिपोर्ट कुछ इस तरह के है। दोस्तों इस मैच पर टोटल T20 दोस्तों इंटरनेशनल मैच, आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो टोटल T20 इंटरनेशनल मैच 7 मैच खेले गए हैं, जो कि दोस्तों जो फर्स्ट में बैटिंग करता है वो 3 मैच विन किया है, और दोस्तों जो सेकेंड में बैटिंग करता है वो दोस्तों जो फर्स्ट में बैटिंग करता है 4 मैच विन किया है, और दोस्तों जो सेकेंड में बैटिंग करता है वो 3 मैच विन किया है, यानी दोस्तों जो फर्स्ट में बैटिंग करेगा उसको विन करने का ज़्यादा मौका है। और दोस्तों हम लोग एवरेज स्कोर की बात कर लेते हैं, जो दोस्तों फर्स्ट में बैटिंग करता वो 147 रन का प्लस स्कोर करता है, और दोस्तों आप लोग देख सकते हो जो फर्स्ट बैटिंग करेगा 147 प्लस स्कोर करता है। और दोस्तों इस पिच पर अभी तक हाईएस्ट स्कोर कुछ ज़्यादा नहीं गया, आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो कुछ ज़्यादा स्कोर नहीं गया है दोस्तों, 173/10 विकेट, यानी दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया 173/10 विकेट दोस्तों इस पिच पर विकेट भी गिरता है और रन भी लगता है। अब दोस्तों सबसे लोएस्ट स्कोर के बारे में बात कर लेते हैं, इस पर दोस्तों 73 रन/10 विकेट दोस्तों इस पिच पर विकेट गिरने का ज़्यादा संभावना है, इसलिए आप लोग इस पिच पर अपने टीम में दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में ज़्यादा बॉलर को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बॉलर काफ़ी विकेट मारते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी 10 विकेट गिरा है, यहाँ पर भी 10 विकेट, यहाँ पर भी 10 विकेट, हाईएस्ट स्कोर में भी 10 विकेट, लोएस्ट स्कोर में भी 10 विकेट, कुछ इस तरह के पिच रिपोर्ट रहने वाला है। और दोस्तों एक बार आप लोग और ध्यान से देखिए दोस्तों, 150 के नीचे 3 बार स्कोर बना है, आप लोग देख सकते हो 150 के नीचे 3 बार स्कोर बना है, और दोस्तों 150 और 170 के बीच आप लोग देख सकते हो 150 और 170 के बीच 3 बार भी स्कोर बना है, आप लोग मेरे स्क्रीन पर देखते हो। सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 150 और 169 के बीच 3 बार स्कोर बना है, और दोस्तों 150 के नीचे भी 3 बार स्कोर बनाए, सब दोस्तों ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों 170 और 190 के बीच 1 बार स्कोर बनाए, जो कि आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों इस तरह से आप लोग टीम क्रिएट कर सकते हो, और 190 के प्लस दोस्तों 1 बार स्कोर नहीं बना है, यानी कि दोस्तों 150 से नीचे अभी तक 3 बार स्कोर बना है, और दोस्तों 150 और 169 के बीच 3 बार स्कोर बना है, और दोस्तों यहाँ पर 170 से 179 के बीच 1 बार स्कोर बना है, यानी कि दोस्तों इस पिच पर ज़्यादा दोस्तों हाई स्कोरिंग नहीं होता, विकेट ज़्यादा गिरता है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं डोमेस्टिक T20 का, वो था दोस्तों इंटरनेशनल में, जो भी दोस्तों डोमेस्टिक में जो पहले बैटिंग करता है वो 3 मैच विन किया, जो सेकेंड बैटिंग करता है वो 4 मैच विन किया है, यानी दोस्तों यहाँ पर डोमेस्टिक जो बिग बैश लीग है वो डोमेस्टिक मैच है, जो फर्स्ट में बैटिंग करता है
तीन मैच विन किया है, जो सेकेंड में बैटिंग करता है चार मैच विन किया है। दोस्तों एक भी मैच टाई नहीं हुआ है अभी तक। बिग बैश लीग का दोस्तों डोमेस्टिक T20 क्रिकेट में आता है। अब दोस्तों हम लोग बिग बैश लीग का, आप लोग जो फर्स्ट में बैटिंग करेगा, पिच रिपोर्ट जो फर्स्ट में बैटिंग करेगा वो दोस्तों 155 तक स्कोर रह सकता है दोस्तों जो फर्स्ट बैटिंग करेगा। और जो दोस्तों इस बिग बैश लीग में जो सेकेंड में बैटिंग करता है चार मैच विन किया है और फर्स्ट में बैटिंग करता है तीन मैच विन किया है। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे इसका पहले वाला इंटरनेशनल मैच के बारे में, जो कि दोस्तों इंटरनेशनल मैच में जो फर्स्ट में बैटिंग करता है चार मैच, सेकेंड में बैटिंग करता है तीन मैच। यानी दोस्तों आप लोग T20 डोमेस्टिक क्रिकेट को ले सकते हो, जो फर्स्ट में बैटिंग करता है और कम विन किया है और दोस्तों सेकेंड में बैटिंग करता है चार मैच विन किया है दोस्तों। यानी कि इस मैच में दोस्तों बैलेंस पीछे रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पर बॉलर को ज़्यादा मदद मिलेगा। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों एवरेज स्कोर 155 के बीच रहने वाला है। और दोस्तों जो हाई स्कोर था दोस्तों बिग बैश लीग का, दोस्तों आप लोग जानते होंगे पीर्थ स्कोरर, जो बिग बैश लीग का टीम है, जो 196 पर 3 विकेट, यानी दोस्तों यहाँ पर बहुत हाई स्कोरिंग रहता है। पीर्थ स्कोरर्स जो दोस्तों बिग बैश लीग का टीम है डोमेस्टिक क्रिकेट में 196 पर 3 विकेट, यानी दोस्तों हाईएस्ट रन लगता है इस पिच पर बिग बैश लीग द्वारा। दोस्तों सबसे लोएस्ट स्कोर की बात में कर लेते हैं, 105 पर 10 विकेट, जो दोस्तों मेलबोर्न रिनेगेट्स के बीच में हुआ था, जो दोस्तों 105 पर 10 विकेट, यानी दोस्तों एक प्लस पॉइंट होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज मैच है मेलबोर्न रिनेगेट्स के बीच में, जो 105 पर 10 विकेट, यानी दोस्तों मेलबोर्न दोस्तों रिनेगेट्स आज के मैच में काफ़ी दोस्तों खराब परफॉर्मेंस देने वाला है, क्योंकि दोस्तों पहले भी मैच हुआ था तो इनका 105 पर 10 विकेट गिर चुका है। दोस्तों इस तरह से आप लोग बॉलिंग को ज़्यादा ट्राई कर सकते हो तो, क्योंकि दोस्तों बॉलिंग ज़्यादा विकेट मारेगा, लेकिन अपोनेंट टीम का दोस्तों बॉलिंग आप लोग रखिएगा क्योंकि मेलबोर्न का 10 विकेट गिरने वाला है दोस्तों, प्रिडिक्शन से पता चल रहा है। क्योंकि दोस्तों मेलबोर्न और रिनेगेट्स, मेलबोर्न और ब्रिस्बेन हीट्स के बीच मैच होने वाला है, तो आप लोग ब्रिस्बेन हीट्स का बॉलिंग को ट्राई कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं स्कोर के बारे में, दोस्तों 150 से नीचे दो बार स्कोर बना है और 150-169 के बीच तीन बार स्कोर बना है, और 170-179 के बीच एक बार स्कोर बना है, और 190 के प्लस एक बार स्कोर बना है। सारा कुछ आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग देख सकते हो सारा कुछ, आपको इन्फॉर्मेशन हम पिच रिपोर्ट को शेयर कर दी। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं बैटिंग ऑर्डर्स के बारे में, अब हम लोग बात करते हैं बैटिंग ऑर्डर्स क्या रहने वाला है आज, आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर। अब हम लोग बात करते हैं बैटिंग दोस्तों ऑर्डर क्या रहने वाला है और किस बैटिंग का कैसा परफॉर्मेंस रहने वाला है। सो भाई लोग अब हम बात करते हैं बैटिंग ऑर्डर्स की, आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो। हम सबसे पहले बात करते हैं मेलबोर्न रिनेगेट्स के बैटिंग ऑर्डर्स की, और दोस्तों कुछ मैचों को मैं आपको प्लेयर रिपोर्ट भी देने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों ओपन करने आते सैम हार्पर, आप लोग मेरे स्क्रीन पर देखो सैम हार्पर दोस्तों ओपन करने आते हैं, जो दोस्तों उनका कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रहा दोस्तों, दो मैच खेले हैं, एक मैच में 21 रन और दोस्तों एक मैच में 0 रन। सैम हार्पर कुछ अच्छा नहीं करके जा रहे हैं दोस्तों। दूसरे नंबर पर आते हैं मेडिसन, जो कि दोस्तों कैप्टन है, मेडिसन दोस्तों कैप्टन है और दोस्तों ये अपने टीम का दोस्तों बैट्समैन भी है, तो जो बैट्समैन है जो अपने लिए दोस्त 87 रन और अपने टीम के लिए एक बार 49 रन जोड़ चुके हैं दोस्तों, काफ़ी बढ़िया पिक रहने वाला है मेडिसन, जो कि दोस्तों सेकेंड नंबर पर बैटिंग करने आते हैं। दोस्तों थर्ड नंबर पर आते हैं जैक फेदर, जो कि दोस्तों अपने टीम के लिए बैटिंग करते हैं, मेलबोर्न के लिए बैटिंग करते हैं, एक मैच में दोस्तों 3 रन और दूसरे मैच में 24 रन, तो दोस्तों कुछ खास इनका रन नहीं रहा अभी तक, एक मैच में 3 रन दूसरे मैच में 24 रन, लेकिन दोस्तों ये अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आते हैं एरोन फिंच, जो कि दोस्तों बैटिंग है पहला मैच में दोस्तों 4 रन और दूसरे मैच में 70 रन, दोस्तों चौथा बैटिंग कर रहे थे एरोन फिंच, पहला मैच में 4 रन दूसरे मैच में 70 रन। उसके बाद दोस्तों जे वेल्स बैटिंग है, जिनका फॉर्म बहुत खराब रहा, एक मैच में 12 रन दूसरे मैच में 1 रन और 12 रन। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आंद्रे रसल की, दोस्तों आंद्रे रसल पहला मैच में 35 रन मारे हैं प्लस एक विकेट निकाले हैं, और दोस्तों दूसरा मैच में 7 रन प्लस एक भी विकेट नहीं, तो आप लोग आंद्रे रसल को अपने टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अकेला हुसैन, दोस्तों इनको बॉलिंग भी करते हैं थोड़ा सा बैटिंग करने का भी चांस मिलता है, दोस्तों पहला मैच में 1 रन प्लस 3 विकेट,
और दूसरा मैच में 13 रन 1 विकेट। दोस्तों बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, आप लोग इनको जरूर ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों 8वां नंबर पर आते हैं विल सुदरलैंड, जो कि दोस्तों अपने ऑलराउंडर हैं दोस्तों, फिर भी एक रन और एक भी विकेट नहीं निकाल चुके हैं दोस्तों। इनका फॉर्म अभी बहुत ही ख़राब चल रहा है, इनको आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों बॉलिंग में बात कर लेते हैं टॉम रोगर्स की, जो दोस्तों डेथ ओवर में दोस्तों बॉलिंग करते हैं। इन्होंने अपने टीम के लिए पहला दोस्तों 1 रन 1 विकेट और दूसरा मैच में 2 विकेट और दोस्तों 5 रन भी निकाल चुके हैं। अपने टीम के लिए दोस्तों डेथ ओवर में दो बॉलिंग करते हैं, अच्छा खासा विकेट टॉम रोगर्स दोस्तों निकाल लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं केन रिचर्डसन, जो पहला मैच में 0 विकेट और दूसरा मैच में 1 विकेट। काफ़ी इनका परफॉर्मेंस ख़राब चल रहा है, लेकिन दोस्तों ये अपने टीम में आप लोग ट्राई जरूर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों प्लेइंग 11 दोस्तों प्लेइंग दो दोस्तों 11 नंबर पर बॉलिंग करने आते हैं, जो अभी तक 1 विकेट निकाल चुके हैं अपने टीम के लिए। कोई खास इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है, मुजीब रहमान का, इनको आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं बैटिंग ऑर्डर्स की ब्रिस्बेन हिट्स का। दोस्तों सबसे पहले बैटिंग करने आते हैं मैक्स ब्रेंट, जो दोस्तों कुछ मैचों को दोस्तों कवर कर रहे हैं। इसमें आप लोग देख सकते हो कुछ ज़्यादा मैच हम कवर नहीं किए, जो दोस्तों 2022 में मैच हुआ उसको हम कवर कर रहे हैं। दोस्तों पहला मैच में 7 रन, दोस्तों इनका परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा, इनको आप लोग छोड़ के जा सकते हो। दोस्तों दूसरा नंबर पाते हैं जोस ब्राउन, दोस्तों इन्होंने अभी तक 0 रन मारा है, कोई भी रन नहीं निकाला है, इसलिए आप लोग इनको भी दोस्तों छोड़ के जा सकते हो। उसके बाद दोस्तों आते हैं कोलिन मुनरो, जो दोस्तों पहले ही मैच में 35 रन अपने टीम के लिए जोड़ सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आते हैं सैम बिंग, जो विकेट कीपिंग करते हैं, जो दोस्तों 6 रन अपने टीम के लिए 6 ही रन मारे हैं। काफ़ी दोस्तों इन्होंने का काफ़ी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा है। उसके बाद दोस्तों कैप्टन है जे पीरसन करके, जो कैप्टन है, विकेट कीपिंग भी करते हैं दोस्तों, 43 रन मारे हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, इनको आप लोग जरूर ट्राई कर सकते हो। दोस्तों सारा कुछ प्रिडिक्शन इस वीडियो के अंदर मैं सारा कुछ आपको दे रहा हूँ, दोस्तों कुछ मैचों का हम प्रिडिक्शन आपको दे रहे हैं, आप लोग अच्छी तरह से अपने टीम को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों रोस वाइटली, जो दोस्तों 6वां नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, अपने टीम के लिए 8 ही रन जोड़ पाए हैं पहला मैच में दोस्तों 8 ही रन। उसके बाद दोस्तों बार्ली आते हैं, जो दोस्तों अपने ऑलराउंडर है अपने टीम का, 7वां नंबर पर बैटिंग करने आता है, अपने टीम के लिए 19 रन और दोस्तों 2 विकेट जोड़े हैं। उसके बाद दोस्तों एक बॉलर है सटेके करके, दोस्तों जो 1 विकेट अपने टीम के लिए निकाले हैं। दोस्तों कुछ खास इनका नहीं रहा, दोस्तों आप लोग देख तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हो। 10वें नंबर पर स्वीपर दोस्तों आते हैं बैटिंग करने के लिए, दोस्तों बॉलर है अभी तक अपने टीम को 1 विकेट निकाल चुके हैं, आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों सबसे पहले लास्ट में करते हैं दोस्तों एम कुमेन का, जो दोस्तों 3 विकेट अपने टीम के लिए निकाल चुके हैं, काफ़ी अच्छा पिक होंगे। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में, आप लोग देख सकते हो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हमारा क्या दोस्तों इसमें रह सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैडिसन की बात करते हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं, अपने टीम के लिए कैप्टन है, जो 87 रन और 39 रन दोस्तों इनको आप लोग अपने टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों एरोन फिंच, जो अपनी टीम के लिए दोस्तों 4 रन और 17 रन ट्राई कर चुके हैं। दोस्तों उसके बाद आते हैं रसल, जो दोस्तों 35 रन 1 विकेट निकाले हैं और दोस्तों 7 रन 0 विकेट, दोस्तों ये विकेट भी निकालते हैं, अच्छा खासा रन भी मार सकते हैं। दोस्तों उसके बाद अकेला हुसैन, दोस्तों 3 विकेट और 13 रन प्लस 1 विकेट, ये भी अच्छे पिक हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं टॉम रोगर्स का, जो दोस्तों 1 विकेट और 2 विकेट, तो दोस्तों काफ़ी ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको आप लोग मत छूएगा। उसके बाद दोस्तों कोलिन मुनरो की बात करते हैं, जो दोस्तों 1 ही मैच में 35 रन अपने टीम के लिए जोड़ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों पीरसन, जो दोस्तों अपने टीम के लिए कैप्टन है, दोस्तों पहले मैच में 43 रन मार चुके हैं। दोस्तों उसके बाद बार्ली की हम लोग बात करते हैं, जो दोस्तों ऑलराउंडर है, पहला मैच में 19 रन प्लस 2 विकेट, एक ऑलराउंडर काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों उसके बाद एम कुमेन, जो अपने टीम के लिए बहुत अच्छा खासा बॉलिंग करते हैं, जो अपने दोस्तों 3 विकेट भी निकाल चुके हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कैप्टन चॉइस क्या रह सकते हैं इस टीम के लिए।
दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कैप्टन चॉइस का। आप लोग अपने दोस्तों टीम में दोस्तों इनको मेडिसन को कैप्टन चॉइस कर सकते हो, काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे। उसके बाद दोस्तों अकीला हुसैन, दोस्तों अकीला हुसैन अपने टीम के लिए अच्छे खासे रन जोड़े हैं, इनको भी आप लोग कैप्टन चॉइस कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद आज तक कॉलिन मुनरो जो अच्छे फॉर्म में चल रहा है, पहले ही मैच में 35 रन जोड़ चुके हैं। दोस्तों आप लोग अकीला हुसैन को ट्राई कर सकते हो, जो कि दोस्तों स्पिनर बॉलर है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं वाइस कैप्टन का। सबसे पहले दोस्तों कैप्टन जो विकेट कीपिंग करते हैं अपने टीम के लिए हैं पीटरसन, जो कि पीटरसन दोस्तों पहले ही मैच में 43 रन मार चुके हैं। उसके बाद दोस्तों बार्ली हैं जो 19 रन और 2 विकेट निकाल चुके हैं। उसके बाद दोस्तों रसल होयर्स हैं बीसी के लिए अच्छे पिक, एक बार 35 रन 1 विकेट, दूसरा बार 7 रन 0 विकेट। दोस्तों अच्छे बॉलिंग करते हैं, इनको डेथ ओवर में भी बॉलिंग करने का मौका मिलता है। अब दोस्तों आप लोग इस तरह से सारा कुछ प्रिडिक्शन आप लोग देख चुके होंगे। अब आप लोग जाइए अपना ड्रीम इलेवन पर अच्छा खासा टीम क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। सारा कुछ इस वीडियो के अंदर हम कवर कर चुके हैं। अब दोस्तों आपको फाइनल टीम चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम आपको टीम बनाकर दिखलाते हैं कि कैसा टीम रहने वाला है। दोस्तों हम लोग बात करते हैं टीम में कैसे कैसे आपको लेना है। सबसे पहले दोस्तों सैम बिंग का काफ़ी ख़राब दोस्तों फॉर्म चल रहा है, इसलिए आप लोग जे पीटरसन को दोस्तों अच्छे फॉर्म तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं, इनको आप लोग ट्राई कर सकते हो। एस हार्पर भी दोस्तों अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हो, इनको आप लोग ड्रॉप भी कर सकते हो, यानी दोस्तों आप लोग जीएल में इनको ट्राई कर सकते हो। हम दोस्तों जे पीटरसन के साथ चलते हैं। दोस्तों बैटिंग सेक्शन में आने के बाद हम ट्राई करते हैं एरोन फिंच को, जो दोस्तों काफ़ी तगड़े फॉर्म में चल रहा है। उसके बाद दोस्तों कॉलिन मुनरो, दोस्तों ये सब प्लेयर तो जे वेल्स एम ब्रेंट काफ़ी ख़राब फॉर्म में चल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अच्छे पीक हो सकते हैं जे फेदर, आप लोग मेरे अथि पर देखे होंगे। दोस्तों आप लोग देखें जब हम कवर कर रहे थे प्लेयर रिपोर्ट, तो आप लोग देखें जे फेदर काफ़ी अच्छे रन भी मारते हैं, दोस्तों 1 डबल इनका बैटिंग भी है। उसके बाद दोस्तों हम ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं। सबसे पहले दोस्तों रसल, उसके बाद एन मेडिसन दोस्तों काफ़ी तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं, अपने टीम के लिए 168 पॉइंट जोड़ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों जे बार्ली काफ़ी तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं, इनको आप लोग मत छोड़िएगा। अब हम लोग बॉलिंग सेक्शन में आने के बाद दोस्तों के रिचर्डसन अपने टीम के लिए अच्छे पॉइंट हैं, दोस्तों अकीला हुसैन का आप लोग ट्राई कीजिएगा। उसके बाद एम कुमहैन, आप लोग देख सकते हो अपने टीम के लिए 3 विकेट निकाले थे। अकीला हुसैन दोस्तों बैटिंग भी करते हैं, अपने टीम के लिए एक बार 3 विकेट भी निकाल चुके हैं। उसके बाद दोस्तों टॉम रोगर्स के जो दोस्तों डेथ ओवर बैटिंग करते हैं, उनको आप लोग ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों एक प्लेयर का आप लोग ट्राई कर सकते हो, केन रिचर्डसन को, जो दोस्तों 2 मैच खेले हैं अभी तक 1 विकेट निकाल चुके हैं, आप लोग इनको भी ट्राई कर सकते हो। नहीं दोस्तों केन रिचर्डसन के बदले एम सटेके को आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन हम दोस्तों केन रिचर्डसन के साथ देंगे, क्योंकि दोस्तों ये अच्छा करते हैं बॉलिंग। उसके बाद दोस्तों कैप्टन चॉइस हम एन मेडिसन का रखते हैं। उसके बाद दोस्तों वाइस कैप्टन जे बार्ली, कह के दोस्तों अपने टीम के लिए अच्छे पीक हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग टीम देख सकते हो, दोस्तों आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कुछ इस तरह का आपको टीम दोस्तों रहेगा। दोस्तों आप लोग सारा कुछ प्रिडिक्शन सुन ही चुके होंगे, दोस्तों अच्छा टीम क्रिएट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो पे।